नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बीजेपी सांसद आरके सिंह ने आज अपनी ही पार्टी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। आरएसएस सांसद आरके सिंह ने कहा कि बिहार में बीजेपी ने अपराधियों को, रिश्तेदारों को टिकट बांटे हैं, टिकट बेचे गए हैं। ऐसे में बीजेपी बिहार में स्वच्छ शासन कैसे दे? और आरके सिंह से उनके इस बयान पर बातचीत की हमारे संवाददाता रोहित सिंह ने, सुनिए। बीजेपी में जिस तरीके से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, उसके बाद आए दिन बीजेपी दफ्तरों में कई सारे विधायक, नाराज विधायक जिनका टिकट कटा है, उनके समर्थक हो हंगामा फैलाए हुए हैं और बहुत जगहों पे उन्होंने हिंसा का भी जो है सहारा लिया है अपनी नाराजगी व्यक्त करने के लिए। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आरा से बीजेपी के सांसद आरके सिंह साहब, जो कि पूर्व गृह सचिव भी रहे हुए हैं। सिंह साहब, सबसे पहले ये बताइए, ये जो नाराजगी नजर आ रही है कार्यकर्ताओं में, बीजेपी विधायकों के टिकट काटे गए हैं, किसको आप कुछ सही मानते हैं क्या? जी हाँ, जी हाँ। पहले मुझे पूरी जानकारी नहीं थी बिहार के बारे में। मैं तो अपने क्षेत्र के बारे में जानकारी रखता था। तो कल मैं क्षेत्र गया तो मैंने देखा कि बहुत नाराजगी है जनता में, कार्यकर्ताओं में बेहद नाराजगी है। तो उसके उस समय फिर कॉरेस्पॉन्डेंस ने हमसे पूछा भी कि बहुत नाराज़गी है, तो मैं उसको टाल गया। परंतु यहाँ आया तो मैं देखता हूँ कि अन्य क्षेत्रों से भी लोग आते हैं हमसे मिलने। तो पूरे बिहार में भयंकर असंतोष है, उसका कारण भी है। देखिए, आपने क्रिमिनल्स को टिकट दे दिया, आपराधिक छवि के व्यक्तियों को टिकट दे दिया। क्यों दे दिया आपराधिक छवि के व्यक्तियों को टिकट? पार्टी ज्वाइन नहीं किया उसको आपने टिकट दे दिया, अपराधी भी है। जो व्यक्ति सिटिंग है और पुनः जीतने वाला है, उसका टिकट आपने काट दिया बिना कारण। जो सिटिंग है और जो हारने वाला है, उसका टिकट तो आपने नहीं काटा। ये असंतोष का कारण है, असंतोष जस्टिफाइड। दूसरा कारण संवादहीनता है। अब बहुत सारे कार्यकर्ताओं की यह शिकायत थी कि साहब से हम फोन करते हैं, कम से कम हमको बताया जाए कि क्या हमारी गलती है, तो फोन नहीं उठता है, कोई हमको समझाने वाला नहीं है, ये क्यों भैया? एक दो मामले में तो हमको शिकायत मिली पैसा के लेन देन की, ये बड़ी शर्म की बात है। और आप क्रिमिनल्स को टिकट दीजिएगा, ये घोर आपत्तिजनक है। घोर आपत्तिजनक इसलिए है क्योंकि मैं बिहारी हूँ, बिहार का रहने वाला हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि बिहार को स्वच्छ प्रशासन मिले। तो जो व्यक्ति सही टिकट नहीं बांट सकता है, टिकट बांटने में गड़बड़ी कर सकता है, टिकट बांटने में क्रिमिनल को टिकट दे सकता है, वो व्यक्ति स्वच्छ प्रशासन कैसे दे देगा भैया? और टिकट ये ऐसा ये आर्ग्यूमेंट देना कि वो क्रिमिनल ही वहाँ से जीत सकता है, बोगस है, बिल्कुल बोगस। उस क्रिमिनल को आज हटाइए और किसी स्वच्छ छवि के कार्यकर्ता को लड़ाइए, वो जीत जाएगा। तो क्रिमिनल भले हार जाए। तो राजनीति में अपराधीकरण के विरोध में आप बात कर रहे हैं, किसके किसके तरफ इशारा है, किसको टिकट दिया गया, कौन वहाँ अपराधी आपके क्षेत्र में जिसको टिकट दे दिया गया? अब ये हमारे यहाँ तो नाम नहीं लेना चाहिए, हमारे यहाँ जानना चाहेंगे सिंह साहब आपकी नाराजगी। हमारे यहाँ तो सुनने में आया है कि तरारी से ये सुनील पांडे के पत्नी को मिल गया है और ऐसे ही टिकट मिले हैं। बगल में आप देख लीजिए, ये एक व्यक्ति को टिकट मिला है जो कि ये बस डकैती करता था, उसको टिकट मिल गया। अरवल में तो पांडव गैंग के एक लीडर को टिकट मिल गया है। बख्तियारपुर में बस डकैती करता था, उसको टिकट मिल गया। ये क्या है? सुनील पांडे की जो पत्नी को मिला उसको तो लोजपा से टिकट मिला, तो आप नाराज क्यों हो रहे? आप तो बीजेपी में हैं। आप ये बताइए कि लोजपा आपके गठबंधन में है ना? और हमने लोजपा से भी कहा था, रामविलास पासवान से भी कहा था, रालोसपा से भी कहा था, और बीजेपी के तो नेतृत्व तो कहा ही था कि हमारे क्षेत्र से आप साफ सुथरे छवि के व्यक्तियों को दीजिए टिकट, हमारे क्षेत्र से आप क्रिमिनल छवि के व्यक्तियों को नहीं दीजिए या उनकी पत्नियों को नहीं दीजिए। लेकिन वो हुआ नहीं। और यही हालत बिहार में है। आप बिहार के रहने वाले हैं, आप कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, आप बिहार के रहने वाले, आप नज़र दौड़ाइए। ये तो आप मान के चलिए कि हाँ साहब सो ये राजा जो करता है सो करता है। आप अपनी पार्टी में देखिए, अपने गठबंधन में देखिए, ये तो लोजपा भी तो आपके गठबंधन में है ना, वहाँ देखिए आप। और अपने पार्टी में देखिए, लोजपा का भी छुपा छोड़ दिया, आप अपने पार्टी में देखिए ये क्या है। और फिर आप कहेंगे कि ये हम लोग जाकर प्रचार करें उसके लिए,
हम लोग तो कदापि नहीं, हम लोग तो उसका विरोध करेंगे। यानी लोजपा के जो भी कैंडिडेट्स होंगे क्रिमिनल छवि वाले, तो उनके खिलाफ प्रचार कर, भाजपा के किसी पार्टी के, तो आप उनके लिए प्रचार नहीं करेंगे? कदापि किसी पार्टी के कोई कैंडिडेट होंगे, चाहे भाजपा के हों, चाहे लोजपा को हों, रालोसपा को हों, और उसके लिए हम क्रिमिनल छवि को होंगे कहा जाएगा हमको प्रचार करने के लिए, कदापि नहीं। किसी की हिम्मत भी नहीं है कि हमको कह दे कि जाके प्रचार करें। मैं देखता हूँ कौन मुझे कहता है।